धार्मिक स्थलों में दो भाइयों के चले आ रहे विवाद का शांतिपूर्ण हुआ निस्तारण। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंडी धनोरा क्षेत्र में स्थित फलेंदी सादत ग्राम में बरेलेवी व देवबंदी विवाद कई माह से चला आ रहा था, लेकिन मीडिया व शासन व प्रशासन के समझाने पर साथ मिलकर नवाज पढ़ी व दुआ भी की। इस खबर को प्रसारित करने का उद्देश्य यह है कि अगर मीडिया व प्रशासन इसी प्रकार कार्य करे तो हर भाई इसी प्रकार हाथ व गले मिलाता रहेगा। हजरात जो इससे ताल्लुक रखते हैं वो सलात व सलाम भी यहाँ पढ़ते हैं, और जी नमाज से पहले सलात भी पढ़ते हैं, और जो दीगर काम है वो भी करते हैं। वो जो दूसरी जो देवबंदी हजरात हैं उससे जो ताल्लुक़ रखते हैं देवबंदी, उससे वो इस बात पर इत्तफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है नहीं करना चाहिए तुम्हें, इसी बात पर तनाज़ा है दोनों फरीक में, दोनों इसी बात पर जो है जो भी है झगड़ा लगड़ा जो भी है वो सब इसी बात पर है। आपने डी एम साहब से शिकायत करी कोई? डीएम अभी इन लोगों ने जो इनके मस्जिद के मुतवल्ली लोग हैं या अरकान लोग हैं उन्होंने करी है शिकायत, प्रशासन से करी है शिकायत, और प्रशासन ने भी इसमें इन लोगों को जो है ये इजाज़त दी हुई है कि जो आप पहले से करते आए हो करते रहो, मगर वो जो दूसरे लोग हैं वो मानते नहीं है, और ये कोर्ट तक से आदेश लेकर के आए हैं इस बात का, मगर वो उस कोर्ट के आदेश को भी जो है तस्लीम करने के लिए राजी नहीं है। कितना टाइम हो चुका तामीर हुए? इसको बने हुए कितना? 6 साल तकरीबन के हो गए, 30 साल नहीं तामीर, और जी उससे पहले तो 50-60 साल पहले तक की मस्जिद 1970 की बता, ये मस्जिद सब की है 1970 की बता रहे हैं लगा लो इससे पहले जी। 1970 में गालिबन बनी है, ये लोग जो बता रहे हैं यहाँ के रहने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं 1970 वो बता रहे हैं। तो क्या इससे पहले विवाद चल रहा है? ये विवाद कितने टाइम से ये विवाद तो तकरीबन बहुत नहीं चलता है ऐसे चले आ रहे हैं, मगर ये जो है अब ज़्यादा बढ़ गया है, अब ज़्यादा तूल पकड़ लिया है इस बात ने। फिर इससे पहले भी ऐसा तो जब से ये तामीर हुई है जब से ये बनी है 1970 से ही इसमें अहले सुन्नत वल जमात के लोग अरकान हैं इसके जो भी हैं जो मुतवल्ली हैं या जो कारकुन हैं या जो नमाज पढ़ने वाले हैं जो नमाज पढ़ाने वाले हैं खुसूसन इमाम जो है वो अहले सुन्नत वल जमात ही का यहाँ पर रहा। आज नमाज हुई जी तो सही सूद हुई? आज नमाज बहुत अच्छे तरीके से हुई है और बहुत शांति से और खलूस से पढ़ी गई। बैठे हैं नमाज भाई, लेकिन इससे पहले जो आए थे हम लोग झगड़ा नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, ऐसे साहब आए उन्होंने हमें पहले नमाज पढ़वाई, इनसे जब नमाज पढ़वाई तो बड़े अच्छी तरह नमाज पढ़वाई, और नमाज के बाद जब झगड़ा हो गया था तो ऐसे साहब बोले चलो अपनी शिकायत जो है थाने में करवाइयो, बैठो गाड़ी में चल गए, वो गाड़ी में बैठाया और फिर जाकर उन्होंने थाने में बंद कर दिया, जेल तक पहुँचा, जेल चालान कटवा दी, चालान कट गया, बाहर रात को पड़े फिर अब दूसरे समुदाय के जो लोग हैं आज तक उनमें भी कोई आदमी नहीं जेल गया ना तो पुलिस दे गई पकड़, ये कितने गोली चली, कितने गोली चली। अब तो आपका कोई विवाद नहीं है, आपकी अब तो कोई मान लीजिए तकदीर में ना, आज तो नमाज शांति में पड़ गई, शांति में पड़ गई, उन लोगों के दिमाग में आज भी ये है कि ये चाहते हैं शांति से पड़ गई, उन लोगों के दिमाग में बात आज भी है। क्या आपने अपनी बात को जो आपके बड़े आलिम हैं उलमा हैं या आपने बात वहाँ तक रखी? जी जी रखी भी है, उलामा ने वही फरमाया जो हक है, उलामा के पास जो बात रही वो उन्होंने वही कहा है कि जो आप कर रहे हो वही हक है, वही शरीयत की रूह से है, मतलब के बैठ कर सर आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे कि जहाँ एक तरक्की का दौर है, लोग साइंटिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग नाम है चांद पे जा रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें दोनों समुदाय को बैठ कर समझौता करना चाहिए और ऐसा कोई विवाद है? बिल्कुल, क्योंकि हम इस विवाद में उठ जाएंगे तो मुस्लिम कौम कहाँ तक आगे बढ़ेगी पीछे रहेगी, एक तो बेसिक हमें बच्चों को तालीम देनी चाहिए और अपने तरक्की करनी चाहिए, अगर हम इन मसलों में उठ जाएंगे हम तो यही कह रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा आपके पास बिल्कुल इत्तेफाक है, कौम मुस्लिम आपसी मफाद में खो गई है और जी आपसी झगड़ों में
एक जगह मतलब बिखर के रह गई। तरक्की तो इस कौम के नसीब में है ही नहीं, बच्चों को तालीम दिलाना लोग चाहते नहीं है। उलामा चीख चीख के कहते हैं मगर असर होता नहीं है। नहीं, आपकी तरफ से पहल की है कि बैठ कर सुलझा लिया जाए आपसी में। कई मरतबा आवाम को अब आपको हमने यही पैगाम देना चाहा है, लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है, सुकून से बैठ के बात कीजिएगा। और शरीयत भी अभी यही है, अहदीसों की किताबें भी यही हैं, कुरान भी यही है, आप बैठ कर उसका मुताला कीजिए और जो हक है उसको तस्लीम कीजिए और किसी की बात मत मानिए जो कुरान साबित होता है। ठीक है। और सर क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है। अजय कुमार जी, ये कौन सी जगह है जिस जगह कुछ मस्जिद में विवाद चला रही, कौन सी जगह? ये हमारी चौकी क्षेत्र में गांव पड़ता है खंदेरी, वहाँ पे दो समुदाय के लोग रहते हैं, देवबंदी और बरेलवी। तो पीछे अभी जो इमाम साहब थे, देवबंदी पक्ष की ये शिकायत थी कि वो जो है ठीक तरीके से मतलब जो है परम्परागत तरीके से नहीं पढ़वा रहे हैं नमाज, उनको ऑब्जेक्शन था। पीछे झगड़ा भी हुआ था, मुकदमा भी लिखा गया था और कुछ लोग जेल भी गए थे। और उसके बाद से गांव में शांति है, हम लोग हर शुक्र को जो है नमाज़ पढ़वाने के लिए फोर्स के साथ मौजूद रहते हैं। आज भी वहां पे नमाज हुई है, हम में खुद मौजूद था, मेरा पूरा चौकी का स्टाफ वहाँ पे था। कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों पक्षों से बातचीत की गई तो दोनों पक्षों ने कहा कि जो है अब कोई समस्या नहीं है, मतलब अब उन्हीं के तरीके से इमाम साहब जो भी हैं वो जो है अब उनको पढ़वा रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। मतलब कुल मिला के प्रशासन के बोलने के बाद सब कुछ समस्याएं खत्म हो गई आपके पहुंचने के बाद? अब कोई समस्या नहीं है, अब शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है और फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।